been loved, that's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you might? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, always we'll meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, always we'll meet again. सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल क्रिएटोरियन। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक स्मूथ सिनेमेटिक टेक्स्ट रिवील क्रिएट कर पाओगे। तो काइनेमास्टर को ओपन करके ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को आप यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लो। बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के बाद इसकी जो ड्यूरेशन है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड करने वाला हूँ एंड उसमें मैं सिनेमेटिक टाइप कर लूंगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। टेक्स्ट को टाइप करने के बाद हर एक लेटर के बीच में मैं दो स्पेस को ऐड कर दूंगा ताकि जो टेक्स्ट है वो दिखने में अच्छा लगे। इसके बाद आप टेक्स्ट को ड्रैग करके उसकी जो साइज है उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। फॉन्ट की जो स्टाइल है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लाइट जो फॉन्ट स्टाइल है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद टेक्स्ट की इन एनिमेशन के लिए मैं यहाँ पे फेड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसकी जो एनिमेशन टाइम है उसको मैं 5.5 पे सेट कर दूंगा। तो ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना। बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के बाद उसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लूंगा एंड रोटेट करके उसको रिसाइज करके ये जो पहला वाला जो आई लेटर है उसके ऊपर मैं इसको प्लेस कर दूंगा। इसके बाद बैकग्राउंड की आउट एनिमेशन के लिए मैं फेड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा एंड जो एनिमेशन टाइम है उसको फुल कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो आई लेटर है वो बाद में रिवील हो रहा है। इसके बाद ब्लैक कलर की बैकग्राउंड की एक डुप्लीकेट को मैं यहाँ पे ले लूंगा एंड उसको मैं ड्रैग करके जो टी लेटर है उसके ऊपर प्लेस कर दूंगा। बैकग्राउंड को प्लेस करने के बाद बैकग्राउंड की जो ड्यूरेशन है उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देना या फिर डिक्रीज कर देना ताकि जो रिवील एनिमेशन है वो एक साथ ना हो। तो सेम तरीके से मैं इस ब्लैक बैकग्राउंड की और एक कॉपी को यहाँ पे ले लूंगा एंड उसको मैं ड्रैग करके इमलेटर के ऊपर प्लेस कर दूंगा। बैकग्राउंड को प्लेस करने के बाद बैकग्राउंड की जो ड्यूरेशन है उसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देना। अगर मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करता हूँ आप देख सकते हो ये एनिमेशन कमाल का दिख रहा है। इसके बाद हर एक लेटर के ऊपर मैं इस ब्लैक बैकग्राउंड को कॉपी करके प्लेस करने वाला हूं एंड जो बैकग्राउंड की जो ड्यूरेशन है उसको मैं अपने हिसाब से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दूंगा। वीडियो की ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है जैसे कि मैं पहले कर रहा था, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी दिखा रहा हूं। तो सब कुछ सेट करने के बाद चलिए एक बार वीडियो को प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद काइनेमास्टर की एक न्यू प्रोजेक्ट को आप ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद आप एक वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद जो टेक्स्ट एनिमेशन को हमने अभी अभी क्रिएट किया है उसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा। टेक्स्ट एनिमेशन वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद आप ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके स्क्रीन ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद जो टेक्स्ट एनिमेशन की वीडियो है उसकी आउट एनिमेशन के लिए आप फेड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। आउट एनिमेशन को सिलेक्ट करने के बाद विनेट इफेक्ट को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास ये वाला इफेक्ट नहीं है तो आप काइनेमास्टर की स्टोर से इस इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद इफेक्ट लेयर को सिलेक्ट करके सेटिंग्स में जाके जो सॉफ्टनेस की जो स्केल है उसको आप 100 कर देना एंड इफेक्ट की ओपेसिटी को आप 53% पे सेट कर देना। तो ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद चलिए एक बार फाइनल वीडियो को प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसके बाद इस फाइनल वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए दिस इज शुभदीप पाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।